दोस्तों आप सभी को पता है कि डेक्नला जो बीमारी है एक प्रकार की फंगल डिजीज है, जिसमें कि देखिए पूंछ की ये दशा हो जाती है, गैंग्रीन की तरह पूंछ हो जाती है, कट करके ऐसा लग रहा है जैसे नीचे गिरने वाली है, एकदम से सूख गई है, आप देख सकते हैं बिल्कुल सूख गई है। और पैरों की क्या कंडीशन होगी, खुर को आप देखिए, ऐसा लगेगा जैसे कि खुर भी नीचे गिरने वाले हैं। जितने भी पेरिफेरल पार्ट होते हैं, आगे के खुर को देख लीजिए चाहे पीछे के खुर को देख लीजिए, जितनी भी लटकी हुई स्किन रहती है या नीचे वाले पार्ट होते हैं, जैसे देखो कान, कान भी आपको पता है लटकते रहते हैं, तो कान भी सूखने लग गए हैं। अभी बताऊंगा मैं क्यों सूखते हैं, लेकिन कान भी देखिए सूखने लग जाते हैं, ये इस तरीके से सूख गए हैं। देखिए अब धीरे धीरे करके इसकी नोक जो है वो बिल्कुल सूख करके लकड़ी की तरह हो जाएगी, यानी ब्लड सप्लाई जो है वो इसमें बिल्कुल भी बंद हो जाएगी, धीरे धीरे कम होते होते बंद हो जाएगी। पशु एकदम से कमज़ोर हो जाता है, और एक कान की ही नहीं, आप देखिए दूसरे कान को भी, दूसरे कान की भी यही दशा स्टार्ट हो गई है, और धीरे धीरे करके ये सूखेगा। जी हाँ, ये एक प्रकार की फंगल डिजीज़ है। हालांकि ये फंगस की वजह से कम और फंगस के टॉक्सिन की वजह से ज़्यादा स्थिति विकराल होती है। इसमें एक्चुअली होता क्या है, फ्यूजेरियम, पेनिसिलियम और एस्परजिलस, ये जो तीन प्रकार के जो फंगस है, ये फंगस जब पैदा हो जाते हैं, होते क्यों हैं भाई, ऐसा भूसा खिला दिया जाता है जिसमें फंगस लगा हुआ हो, और विशेष तौर से ये 94% तक फ्यूजेरियम से ही होता है। और फ्यूजेरियम एक प्रकार का टॉक्सिन रिलीज करता है जिसको हम बोलते हैं माइकोटॉक्सिन। इसमें कई बार टेम्परेचर बढ़ा हुआ रहता है तो कई बार टेम्परेचर नॉर्मल भी आता है। तो ये जो माइकोटॉक्सिन से ये क्या करता है, जितने भी पेरिफेरल पार्ट है जो लटके हुए रहते हैं उनको सुखा देता है। आप अगर दोनों पैरों के बीच की चमड़ी को देखेंगे जो लटकी हुई है, वो भी सूखने सी लग जाती है। ये बहुत ही विकराल स्थिति होती है, और भैंसों की तो ये बहुत ही बड़ी बीमारी है, खतरनाक बीमारी है। धीरे धीरे करके अगर समय पे इलाज ना हो तो भाई ये जान भी ले लेती है। यहाँ पर हमें टॉक्सिन्स के खिलाफ, माइकोटॉक्सिन्स के खिलाफ जो टॉक्सिन बाइंडर्स होते हैं वो देना पड़ता है, साथ में जितने भी सल्फेट होते हैं वो सारे सल्फेट देने पड़ते हैं, और नाइट्रोग्लिसरीन ऑइंटमेंट भी हम यूज़ करवा सकते हैं, लाल दवा से धुलवा सकते हैं। ये सारे अगर हम प्रबंध करते हैं तो धीरे धीरे करके इसको ठीक किया जा सकता है। अगर आप निवेदन करेंगे तो डेक्नला पर एक डिटेल वीडियो मैं और आप लोगों के लिए लेके आऊँगा, ताकि हर एक बात डेक्नला की आप समझ सकें। भाई अभी इतना जान लीजिए, फंगल डिजीज़ है, बहुत खतरनाक है, और इस भैंस की भी इसने हालत ख़राब कर दी है।